नमस्कार दोस्तों तो आज हम डिस्कस करते हैं रोड डेवलपमेंट इन इंडिया इंडिया में रोड डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई फर्स्ट तो सब सबसे पहले नाइनटीन ट्वेंटी कमेटी में ट्वेंटी एट में रिपोर्ट सबमिट हुई नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में सेंट्रल रोड फंड बना उन्नीस सौ में इंडियन रोड कांग्रेस आई उन्नीस पचास में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि आपके पास रिसर्च की जाएगी न्यू रोड की क्यों कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स होती हैं ठीक है ठीके? अब हमारे पास एक और मेन बात आई है ये ठीक है अब हमारे पास सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जेकर कमेटी से क्या है पहला कि रोड डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कि जो आप रोड डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक नेशनल इंटरेस्ट का बात है मैंने नाशन, बात है और एक आप अ सेंट्रल रोड फंड इज टू बी फॉर्म्ड तो इन्होंने एक सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने एक सेंट्रल रोड फंड 1929 में जो मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पे क्यों लगा रखा है ये आप टैक्स लगा रहे हैं किस पे फ्यूल टैक्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है और आप नेक्स्ट है कि हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि इंडियन रोड कांग्रेस जो नाइनटीन उन्नीस सौ में आई वो एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी है क्योंकि अब वो एक एडवाइजरी बॉडी है एडवाइस देगी ठीक है फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया जो रिसर्च करेगा नए रोड डेवलपमेंट पे टेक्निक्स पे नेक्स्ट है रोड प्लान इन इंडिया अब देखो नागपुर रोड प्लान है नागपुर रोड प्लान फोर्टी टू नाइन देखो वैसे तो हमारे पास 20 ईयर रोड प्लान है बट हमारे पास 19 ये 18 ईयर रोड प्लान है क्यों क्योंकि 1961 में खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे रोड की डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर है डेवलपमेंट फैक्टर पंद्रह परसेंट है क्योंकि एक्स्ट्रा लैंड परचेज की गई क्योंकि यहाँ पे नागपुर रोड प्लान में क्या हुआ कि आपके पास रोड की डेवलपमेंट तो चल रही थी साथ में रेलवे की रेलवे की डेवलपमेंट भी साथ में हो रही थी और यहाँ टोटल रोड की जो लेंथ है वो फाइव थाउजेंड फाइव लैख सॉरी फाइव लैख बत्तीस हजार सात सौ किलोमीटर है ठीक है और रेड लेंथ भी यहाँ पे डेवलपमेंट एक मेन पार्ट था और यहाँ पे सबसे मेन नागपुर प्लान फेल क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्रेस वे नहीं बनाए गए क्योंकि यहाँ पे रेलवे का काम भी उन्होंने रेल, रेल ट्रैक का, का काम भी लगा दिया और साथ में हमारा रोड का भी तो ये वो बहुत डिफिकल्ट होता है तो कोई एक्सप्रेस बना ही नहीं नागपुर रोड प्लान के हिसाब से रोड को पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सबसे पहले नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड फोर्थ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड फिफ्थ विलेज रोड हमने बताया इट इज कॉल्ड एज फेलियर रोड प्लान क्यों बिकॉज ऑल्सो टोटल टारगेट वेर अचीव बट इंडिविजुअल टारगेट वेयर नॉट अचीव और हम यहाँ पे नागपुर रोड प्लान में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज करते हैं सेकंड है बॉम्बे रोड प्लान जो 1961 टू 1981 तो यहाँ पे 1961 से दोबारा स्टार्ट हुआ 1981 एटी वन ट्वेंटी ए रोड प्लान है ये और यहाँ पे रोड की डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर रखी डेवलपमेंट फैक्टर 5 परसेंट रखा रेल लेंथ डेवलपमेंट को सेपरेट किया इन्होंने बोला जैसे हमारे पास अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे आर है आर मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री है तो अलग से सेपरेटली मिनिस्ट्री बना रखी है वैसे अगर फोर्थ पॉइंट है रोड को कैटेगराइज किया गया था फाइव कैटेगरीज में ठीक है जैसे पहले किया गया बट यहाँ पे बॉम्बे रोड प्लान में सिंपल सा हम 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 हाईवे की कंस्ट्रक्शन ही कर रहे थे यहाँ पे एक्सप्रेस वे बना सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर का ठीक है पर इन्होंने एक बात बोल दी कि मेटल डुबायर से मेटल डबायर मतलब पक्की सड़क से हम एवरी विलेज या टाउन को जिसकी पॉपुलेशन दो से ज्यादा प्लेन एरियाज में और हजार से ज्यादा सेमी हिली एरियाज में और ज्यादा है पांच से ज्यादा हिली एरियाज में हम उसको मेटल रोड से कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट लखनऊ रोड प्लान लखनऊ रोड प्लान 1981 टू 2001 है रोड की डेंसिटी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर है और रोड को क्लासीफाई करना है कैटेगराइज करेंगे तीन टाइप प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी प्राइमरी में बोल दिया कि एक्सप्रेस वे बने हैं नेशनल हाईवे बने सेकेंडरी बोल दिया स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट टच नहीं बोल रहे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड लखनऊ में एक और मेन बात कर दी की इसमें भी एक्सप्रेस वे बना है और उस एक्सप्रेस वे को हम बोलते हैं ये आपका दो किलोमीटर का एक्सप्रेस बना हुआ है ठीक है तो दो किलोमीटर का एक्सप्रेस बना हुआ है लखनऊ में यहां लिखानी कितना दो किलोमीटर का एक्सप्रेस वे वहां पे सोलह सोलह इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल फॉर्मले है रोड लेंथ को एस्टिमेशन के लिए रखना रोड प्लान के हिसाब से तो आपको बताया टोटल रोड की जो लेंथ होती है वो होती है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस प्लस विलेज रोड्स तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होगा फोर पॉइंट सेवन फोर एन ठीक है टोटल रोड लेंथ क्या होगी फोर पॉइंट सेवन फोर एन और रोड डेंसिटी इन टू एरिया ऑफ टाउन से करेंगे वेयर एन क्या नंबर ऑफ विलेजेस अराउंड विलेजेसराउंड रोड ठीक है नेक्स्ट है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे की जो लेंथ होती है एरिया ऑफ टाउन बाय फिफ्टी Length of state highway. State highway की जो बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहां पे आपके पास कितना है minus length of national highway. और इसमें एरिया ऑफ टाउन बाय फिफ्टी इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे आप इनकी वैल्यूज ठीक है जिसमें आप बात करते हैं तो आप एरिया ऑफ टाउन बाय हमारे पास कितना है ट्वेंटी फाइव uh, तो यहाँ लिख लिया नेक्स्ट ट्वेल्व पॉइंट फाइव और नाइनटी इंटू एन नंबर ऑफ रोड इसका मतलब है आप टोटल रोड लेंथ जो भी आपका टोटल रोड लेंथ है उसको माइनस करेंगे लेंथ 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 ऑफ 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 नेशनल हाईवे हाईवे मेजर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रोड एक क्वेश्चन नोमरिकल है, है, एरिया जो हमारा एरिया दे रखा है न्यू दिल्ली का कितना दिया हुआ है आपके पास थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है तो देर ट्वेल्व टाउन एज पर सेंसस कैलकुलेट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आपको पता है कि नेशनल हाईवे की कितनी लेंथ होती है नेशनल हाईवे का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा तो एरिया ऑफ तो टाउन बाई का एरिया कितना एरिया ऑफ टाउन एरिया ऑफ टाउन को डिवाइड कर दो बस सिंपल सी बात है स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे की ट्वेल्व है और माइनस क्या आएगा तो, जो है, 268 से और सेकंड एरिया ऑफ टाउन एरिया ऑफ जो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा क्या है ये तो हम इसको ले लेंगे स्टेट हाईवे की की लेंथ लेंथ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है एन एरिया ऑफ टर्न बाय तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे इससे निकाल देंगे ठीक है तो अब हमारे पास यही मेन चीज है अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन क्या है सबसे मेन है रोड डेवलपमेंट इंडिया में ये डिफरेंट हमारा ईयर्स याद मेन है उसके बाद जेकर ने क्या क्या बातें करती थी कौन कौन सी एडवाइजरी बॉडीज थी कौन कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट थे वो नागपुर रोड प्लान में सारा का सारा मेन इंपॉर्टेंट है कुछ भी आ सकता है क्योंकि